हेलो, यूपीएससी द्वारा 26 मई 2024 को जो प्री की एग्जामिनेशन है उसी को दृष्टि में ध्यान रखते हुए ये करंट पे वीडियो है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है ये, और क्योंकि ये चीज़ न्यूज़ में रही है इसलिए इसको वीडियो को बनाया गया है। इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर सब ये घोषित किया गया है, और इसी कारण जो है जैसे बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो डॉक्ट्रिन है वो 1973 में आया था, केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में आया था। इस पहला वीडियो हमने उसी पे बनाया था, ये दूसरा वीडियो है। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये चीज़ कही इस केस में कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इंडिपेंडेंस एज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। ये कहा कि जो जिला न्यायपालिका है, जिला न्यायालय है जो, वो उसकी स्वतंत्रता बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत ढांचा के अंतर्गत मानी गई है उसकी। अच्छा, जैसा कि हमें मालूम है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है सबॉर्डिनेट कोर्ट, जिसको लोअर जुडिशरी भी कहते हैं, ये पार्ट जो है 6 में है और आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक उसमें शामिल है। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यानी कि उसकी ढांचा, जुडिक्शन एंड नोमेन क्लेचर, नोमेन माने नामकरण करना या नाम पत्ती देना, ऑफ द सबॉर्डिनेट जुडिशरी आर लेड डाउन बाय द स्टेट, यानी कि जो सबॉर्डिनेट जुडिशरी है, ये सबॉर्डिनेट जुडिशरी है लोअर जुडिशरी, इसका स्ट्रक्चर और क्षेत्राधिकार और नामकरण नाम पद्धति ये स्टेट का काम है, स्टेट ही इसको करेगा। हैंस दे डिफर स्लाइटली फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, क्योंकि स्टेट ने अलग अलग बनाए हैं इसके जो है स्ट्रक्चर बनाया है इसका जुडिशियल नोमेनक्लेचर, तो इसलिए एक राज्य से दूसरे राज्य की भिन्नता आ गई है बनाने में से। ब्रॉडली दे आर थ्री टीयर, तीन स्त्री है, मतलब तीन स्तर के हैं, तीन स्तर है इसमें। सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स बिलो द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे जनरली क्या है, मोटे तौर पर देखा जाए तो तीन स्तर होते हैं। अभी अगले उसमें देखते हैं कि कैसे तीन लेवल बनते हैं इसमें टीयर। अच्छा, द डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट, जिले में सबसे बड़ी जो उच्च जो न्यायिक अधिकारी है वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है। वेन द डिस्ट्रिक्ट जज डील्स विद सिविल केसेस, देखिए केसेस सिविल होते हैं और क्रिमिनल केस होते हैं, जब कोई जज सिविल के रूप में, जब डिस्ट्रिक्ट जज सिविल केसेज को डील करेगा, देखेगा उस मामले पे जजमेंट देगा, सुनवाई करेगा, तब वो उसको डिस्ट्रिक्ट जज कहेंगे। लेकिन जब वो क्रिमिनल केसेज आपराधिक मामलों को देखेगा तो उसको सेशन जज कहेंगे या सत्र, हिंदी में सत्र न्यायाधीश कहेंगे। ये है सॉरी ये चीज ध्यान रखने की है। अच्छा, अपॉइंटमेंट पोस्टिंग और प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट जजेज में जो है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो जुडिशरी है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, उसमें गवर्नर के द्वारा होती है और उसमें हाई कोर्ट का जो है कंसल्टेशन लिया जाता है अपॉइंटमेंट पोस्टिंग प्रमोशन में। अच्छा, अगला पॉइंट ये थोड़ा सा ध्यान देने की है कि जैसे मैंने कहा कि भारत में जो है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, जैसे सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊंचे है, उसके नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे ये सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, इसको लोअर जुडिशरी भी कहते हैं, यानी कि जो जिले में न्यायपालिका होती है, न्यायालय होते हैं, उसके उस हाई कोर्ट के नीचे वो कार्य करते हैं। अच्छा, सबॉर्डिनेट इसको थोड़ा सा यहाँ डिफाइन किया है, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स कैसे हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट। हाँ, जैसे मैंने कहा अगर वो सिविल मैटर देखेगा डिस्ट्रिक्ट जज, तो सिविल साइड ये है, डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे जो है ये आपके सबॉर्डिनेट जज कोर्ट होती है, फिर मुंसिप कोर्ट होती है। तो जैसे अगर कोई मुंसिप कोर्ट, इसका मतलब है कि वो सिविल मैटर को देखती है। सेशन, हाँ सेशन जो है, सेशन जज जो है ये सत्र न्यायाधीश कहते हैं, तो क्रिमिनल साइड की, क्रिमिनल केसेस देख रहे हैं, आपराधिक मामले जैसे मर्डर है, मार पिटाई जो है, ये पिटाई है या किडनैपिंग है, तो ये क्रिमिनल केसेस में आते हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होगा, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होगा, तो ये नीचे से ऊपर इस तरह से चलते हैं, ये ऊपर से नीचे इस तरह से आते हैं। तो ऊपर जो है सेशन जज होते हैं सत्र न्यायाधीश, और सिविल साइड में जो है डिस्ट्रिक्ट जो है जज होता है। और कहने का मतलब ये होता है कि जब वो सिविल मैटर देगा तो डिस्ट्रिक्ट जज कहेंगे, और जब वो डिस्ट्रिक्ट जज क्रिमिनल मैटर होगा तो उसको सेशन जज के रूप में कहा जाता है। ओके।